हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बताया जब तक ये ब्लॉग आप सब देखोगे तब तक दिवाली जा चुकी होगी। बट एनीवे गाइस, जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तब तो दिवाली थी, तो आप सभी के साथ दिवाली का ब्लॉग शेयर करना बनता है। एंड मैंने आप सभी से प्रॉमिस की थी मैं डेली एक ब्लॉग अपलोड करूंगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि दिवाली में इतना ज़्यादा काम होता है। एंड दिवाली का नाश्ता बनाना होता है, साफ़ सफाई सब कुछ एक साथ, सारे काम हमारे यहाँ एक साथ आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार दिवाली के साथ साथ तो मेरा दिवाला भी निकल गया है। तो दिवाली के दिन सुबह सुबह तो सबसे पहले मैंने भगवान जी के जो बर्तन होते हैं ना उनको क्लीन करके रख दिया। और आपको पता ही होगा कि जैसे जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो मैंने सोची पहले ये वाला काम कर दूँ। और अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी। और आजकल जो सुबह सुबह का मौसम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड जो स्टार्ट हो गई है। बट हाँ, जब ठंड बढ़ जाएगी ना, वैसे ठंड वाला मौसम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंड लगे तो स्वेटर पहन लो, शॉल ओढ़ लो, मतलब मज़ा ही आ जाता है। ये क्लिप दिवाली के पहले की है, जब मैं दिवाली का नाश्ता बना रही थी। तो गुलाब जामुन हमारे बन चुके हैं और बहुत ही परफेक्ट वाले गुलाब जामुन बने हैं इस बार। एंड फिर मतलब ये मिक्स दो तीन दिन का ब्लॉग है धनतेरस के बाद। हाँ, दो दिन का ब्लॉग है। वैसे धनतेरस से मैंने स्टार्ट कर दी थी दिवाली का नाश्ता बनाना। तो यहाँ पता है मैं सेव बना रही थी बेसन वाली, बट मुझसे नहीं बनी। जो मशीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझसे घूम नहीं रही थी, टाइट है और बहुत ज़्यादा ताकत लगता है। सो मैं यहाँ भी आपको दिखा रही हूँ ना, तो लास्ट मोमेंट पे हमने डिसाइड किए कि हम बेसन की पपड़ी बना लेंगे। मतलब कुछ भी बन जाए, क्योंकि डो तो मैंने रेडी कर ली थी ना, मतलब इसको दबाने में ना बहुत ही ज़्यादा ताकत लगता है। और यहाँ बन चुके हैं मेरे शक्कर पारे, गुलाब जामुन डन, और बेसन वाली पपड़ी बना ली, शक्कर पारे बन गए, और पपड़ी या फिर मठरी बोल रहे हो, मठरी भी बन गई है। और इस बार की जो मठरी है ना वो भी बहुत ही हल्की सी और क्रंची सी बनी है। इस बार के शक्कर पारे भी बेस्ट बने हैं, चिवड़ा भी बन गया है। ऑलमोस्ट इस बार ना मेरा कुछ भी जो दिवाली का नाश्ता होता है वो गड़बड़ नहीं हुआ है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो मुझसे बिगड़ जाता था। और वैसे भी धीरे धीरे करके हम लोग सीखते हैं तो फिर हमें आ ही जाता है। बट पहले ना मैं इतनी परफेक्ट नहीं, और सच बताऊँ तो मैं आज भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। क्या पता अभी अच्छा बनाए, नेक्स्ट टाइम बनाऊँ तो बिगड़ जाए, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहती है। इतना सारा सब कुछ काम करने के बाद मैंने सोची अभी एक थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया जाए, तो मैंने बना ली थी गर्मा गर्म चाय, हमने पी लिए है। और इसके बाद मैं फिर से लग गई थी अपने काम में। और सच बताओ जो दिवाली का नाश्ता है वो मैं एक दिन में तो मुझसे कभी नहीं बनता है, मतलब तीन चार दिन लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ मैं। और बहुत सारे लोग होंगे जो एक दिन बना लेते होंगे, बट भैया मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वैसे ही इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है दिवाली कि पहले से भी बना के नहीं रख सकते हैं। तो हमेशा मेरा यही होता है, मतलब धनतेरस के दिन से मैं स्टार्ट करती हूँ और दिवाली के दिन तक कोशिश करती हूँ कि लक्ष्मी पूजा वाले दिन उसके पहले पहले ख़त्म कर दूँ। सो फाइनली यहाँ मैंने बनाकर ख़त्म कर दी। मैं यहाँ आपको दिखा रही थी मैंने क्या क्या बनाई, बट हाँ इसके बाद पता है अभी तो ये सुबह से लेके दिन भर का शूट है, बट जो प्रसाद है शाम को मैं भोग लगाऊंगी वो बनाना रह गया था। प्लस मैंने पूरियाँ भी नहीं तली थी, माता जी को भोग लगाना था। तो फिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन में और मैं यहाँ आटा लगा रही थी, और मैंने बोली अभी फटाफट से मैं पूरियाँ तल लेती हूँ। दिवाली
इधर उल्टा उल्टा से चला है उल्टा दिवाली की पूजा हो गई और हमने पटाखे अनार सब कुछ फोड़ लिए, इंजॉय कर लिए जितना हो सका, मैंने शूट करी और अब लग गई है बड़ी ज़ोर से भूख। और आज खाने में जो सब्जी है वो है गोभी और आलू की सब्जी। थोड़ी सी मैंने तर्री वाली ग्रेवी वाली सब्जी बनाई हूँ। ऐसे भी मत करो, आराम से खाओ, ठसका लग जाएगा भैयू। दाल दो, दाल दाल चाहिए? भाई बोला हैप्पी दिवाली, वन शॉट था ये। चलो जल्दी वापस आओ, जाओ चलो चलो जल्दी वापस। कब फूटेगा इसको? चलो।